हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमईपी विद सुजीत चौधरी में। तो दोस्तों, रायबरेली एम्स में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले इस वीडियो में, हम नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस, टेस्ट सेंटर एंड जनरल इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, रायबरेली एम्स ने ये नोटिस 14 सितंबर 2023 को जो है रिलीज किया है, और इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल मेडिकल के पोस्ट के बारे में ही बताएंगे। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी ग्रुप बी लेवल 6 एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व की। नेक्स्ट है दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट की, इसमें क्या है, इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों, लेवल 6 है, दो वैकेंसी है और ये अनरिजर्व की। नेक्स्ट आता है डाइटिशियन पे ग्रुप बी लेवल 7 एक वैकेंसी है अनरिजर्व की। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये तो दोस्तों मेडिकल का नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम ऑप्टोमेट्रिस्ट ग्रुप बी लेवल 6 दो वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व की है। 15 नंबर पे परफ्यूजनिस्ट ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी 2 है, दोनों ही अनरिजर्व की है। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी ग्रुप बी लेवल 7 टोटल वैकेंसी 2 है दोस्तों, और दोनों ही अनरिजर्व की है। नेक्स्ट 21 पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रुप बी लेवल 6 टोटल 22 वैकेंसी है, जिसमें कि 11 अनरिजर्व, 5 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस की। इसी तरह दोस्तों टेक्नीशियन ओटी में ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी कितनी है, 20 है, 10 अनरिजर्व, 5 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद बढ़ते हैं हम टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की, इसमें क्या है दोस्तों, लेवल 6 है, एक वैकेंसी है और एक अनरिजर्व की है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी यानी कि रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी 7 है, इसमें 5 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर पे टेक्नीशियन किसकी, रेडियोथेरेपी की ग्रेड 2 ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी 4, 3 अनरिजर्व और 1 ओबीसी। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर पे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग और डर्ली ग्रुप सी लेवल 1 टोटल वैकेंसी कितनी है, 18 है, इसमें की 6 अनरिजर्व, 5 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस की। 27 नंबर पे आ जाता है दोस्तों जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर ग्रुप सी लेवल 5 एक पोस्ट है अनरिजर्व की। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट्स ग्रेड 2 लेवल ग्रुप सी लेवल 2 एक पोस्ट है और ये एक अनरिजर्व की। नेक्स्ट आ जाता है 29 नंबर पे लैब टेक्नीशियन ग्रुप सी लेवल 5 एक वैकेंसी है दोस्तों अनरिजर्व की। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, फार्मासिस्ट पे, फार्मासिस्ट ग्रुप सी लेवल 5 7 वैकेंसी है, जिसमें कि 5 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 एससी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। सबसे पहला थर्ड नंबर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, एज कितना मांगा है, 21 to 30 ईयर ऑफ एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल एमएससी इन स्पीच एंड हियरिंग,
सेकंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल इन द फील्ड। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट पे। इसमें क्या है, एज बिटवीन 21 to 35, 5 साल जो है इसमें बढ़ा दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। सेकंड डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन डेंटल हाइजीनिस्ट हाइजीन और डेंटल मैकेनिक और मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेटिस एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस। थर्ड नंबर पे क्या मांगा है दोस्तों, रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट ऑब्लिक डेंटल मैकेनिक विद द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अब जाते हैं दोस्तों ब्यूटिशियन पे क्या मांगा है, तो एज बिटवीन 21 to 35, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके साथ क्या मांगा है ऑब्लिक करके, एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ऑब्लिक एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स ऑब्लिक एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों आपने एमएससी किया हो होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से या फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स से या फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स से। इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस इन द लाइन प्रेफरेबली इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो दोस्तों 200 बेड हॉस्पिटल का जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अब हम आ जाते हैं किस पे, ऑप्टोमेट्रिस्ट पे। एज बिटवीन 21 to 35 ईयर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। 15 नंबर पे परफ्यूजनिस्ट की है, एज 18 से 30 साल, बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्निक टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया आफ्टर अ ट्रेनिंग इन अ सेंटर विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन। तो दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, किसमें, क्लिनिकल परफ्यूजन में। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब आ जाते हैं 20 नंबर पे, सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, एज नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, सबसे पहला बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड और फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड और 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 13 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो दोस्तों बीएससी एमएलटी होना चाहिए, इसके साथ ही आपका जो है 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो फिर पोस्ट है आपका एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर में, अगर उसमें सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है तो उसमें क्या मांगा है, बीएससी ओटी विद 10 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 10+2 विद डिप्लोमा इन ओटी एंड 13 ईयर एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर पे टेक्नीशियन लेबोरेटरी, एज 25 टू 35 इयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है दोस्तों, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड और फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड एंड 10+2 और 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो दोस्तों अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, चाहे वो लैब का हो या फिर ओटी का। नेक्स्ट दोस्तों ओटी टेक्नीशियन, एज लिमिट है 18 से 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा, बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी और 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, इसके साथ ही 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ओपनिंग थिएटर सॉरी ऑपरेशन थिएटर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन में, एज लिमिट 21 से 30 साल। बैचलर डिग्री इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं 224 नंबर पे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ग्रेड 1, एज लिमिट 21 to 35। एसेंशियल बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिजायरेबल एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जिसके पास बीएससी है उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जिसके पास डिप्लोमा है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है, और इसमें डिजायरेबल जो है कंप्यूटर नॉलेज है। नेक्स्ट दोस्तों आता है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रेड, एज लिमिट 21 to 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिजायरेबल एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस अप्लायंस एप्लीकेशंस स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट ग्रेड 3, एज लिमिट 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड यानी कि हाई स्कूल 10th, इसके साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्या है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, एज लिमिट 21 to 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा फॉर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स और 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी।
नेक्स्ट दोस्तों, लैब अटेंडेंट्स ग्रेड टू, एज लिमिट 18 से 27 साल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट। नेक्स्ट का दोस्तों, 29 नंबर पर लैब टेक्नीशियन बिटवीन 21 to 30 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस, और इसके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिजायरेबल बीएससी इन एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसके साथ ही एक है आपका मार्चरी अटेंडेंट, 21 to 30 ईयर्स, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल, डिजायरेबल एक्सपीरियंस एट मॉर्च। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट की एज लिमिट है 21 साल से 27 साल, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, डिजायरेबल में क्या है एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्टोरेज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसी के साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन का कंप्लीट होता है और आ जाते हैं जनरल, क्या है ये कंडीशन, नहीं बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो फॉर अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट फी शैल बी ₹3,000 प्लस जीएसटी 18%, टोटल 3,540, यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी को कितना फीस देना है, ये देना है ₹3,540। फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स इट इज ₹1,500 प्लस जीएसटी 18%, टोटल 1,770, यानी कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को कितना देना है, 1,770 रुपये टोटल। और दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि इनको कितना देना है, इनको कोई भी फीस नहीं देना है, इनके लिए फीस फ्री है। तो दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, इसको आप अप्लाई करेंगे वेबसाइट पे www.aimsraebareli.rbl.edu.in, क्या है www.aimsrbl.edu.in। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं टेस्ट सेंटर पे, तो इसमें आपका सीबीटी होने वाला है और ये आपके सेंटर है, सबसे पहला न्यू दिल्ली पब्लिक दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ और भोपाल। दोस्तों आपका क्या है ई एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट पे। इसके बाद दोस्तों क्या है एज रिलैक्सेशन, एस सी एस टी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, फिजिकल हैंडीकैप 10 ईयर्स। तो दोस्तों सीबीटी एग्जाम होने के बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या हो सकता है, अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%, ओनली फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर देम। तो दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 0.25 मार्क ही फॉर इच रॉन्ग आंसर। तो आप सभी को जो है बहुत संभल के क्वेश्चन का आंसर करना होगा। आंसर की बात करें तो दोस्तों आपके एग्जाम होने के
4 दिन बाद जो है आंसर की पब्लिकेट जो हो जाएगी पब्लिकेशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं, ओपनिंग डेट क्या है? 17/9/2023। क्लोजिंग डेट क्या है? 16/10/2023। तो दोस्तों 17/9/2023 ये जो है स्टार्टिंग डेट है, यानी कि स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल होना, और ये 16 अक्टूबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? कोई भी एचआरए टीएडीए जो है आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट करके अपने क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपको ना समझ में आया उस वीडियो में। दोस्तों इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।